कुछ परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद जाना पॉसिबल नहीं हो पाए। सारे यूट्यूबर एक जगह मिलते हैं और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। अभी आए हुए थे जी सलून, और सलून में आकर के जो है अपना शेव करवा लिया है। बहुत दिनों बाद आप जो है देख रहे होंगे इस तरह के लुक में, बहुत दिनों से बियर्ड ही रखा हुआ था। तो फिलहाल चलते हैं, मार्केट में कुछ काम है, निपटाते हैं। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और पतिदेव बैठ के अपना काम कर रहे हैं, और हमको आज करनी है पैकिंग। कल हमने कोई भी पैकिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन में था। क्रियांश की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो आज करेंगे पैकिंग। तो आप जल्दी से मेरा ट्रॉली उतार दीजिए, ठीक है, और अपना कपड़ा भी बता दीजिए कि क्या क्या लेना है। ठीक है, उतार देंगे। यहाँ तो मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं जो कि मुझे लेके जाने हैं, तो आप भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। और पानी गर्म कर रहे हैं आपका, यहाँ पे पानी हो चुका है गर्म, तो करते उधर से पानी। परिदेव कितना भी सुबह जग जाए ना, उनको पानी नहीं देंगे तो पानी पियेंगे ही नहीं। बहुत सुबह जग जाते हैं, अभी इनको कुछ काम रहता है अपना तो बहुत सुबह जग जाते हैं, लेकिन पानी नहीं पियेंगे। हाँ, और जब भी पूछेंगे तो कहेंगे कि हमको पता है ना तुम आओगी तो दे दूंगी पानी, अगर हम भूल जाए तो। भूल जाएगी कोई बात नहीं, याद दिला देंगे। कुछ याद नहीं रहता इनको। अगर इनको याद रहेगा तो ये खुद भी पानी लेके पी सकते हैं। पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? और मैं एक मस्त वाला चीज दिखाती हूँ आपको, ये देखिए चश्मा, ना मस्त चश्मा है ना इनका। आज बनवाना पड़ेगा, आज बनवाना पड़ेगा, है ना। चश्मा वाले भैया भी सोचते होंगे कि हर हफ्ते में एक बार जरूर आ जाता है ये चश्मा लेके। यही चीज, एक चश्मा तो खो ही गया इनका, पता नहीं कहाँ गया, है ना। दीजिए एक ग्लास और देंगे, इसे बड़े क्यूट लग रहे हैं। शेविंग करवा लिए, शेविंग के बिना पता है क्या लग रहा था कि आप गोरे भी हैं, पता भी नहीं चल रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। अब पूरा स्किन वाइट वाइट सा दिख रहा है। अच्छा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पतिदेव शेविंग में ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर जब शेविंग नहीं करवाए हुए थे तो उस टाइम ज्यादा अच्छा लगता। मुझे तो ज्यादा ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जल्दी से तुम पैकिंग कर लो, अभी मौका है, वरना क्रियांश अगर जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर पैकिंग होते ही रह जाएगा अच्छे से। तो आप कपड़ा ले आइए वहाँ से प्रेस वाला, उसके बाद ट्रॉली उतार दीजिए। ट्रॉली उतार देते हैं सबसे पहले, रुक जा। यहाँ पर ये बातें हैं, सबसे पहले मैट को बिछाएंगे। जब भी ये रूम में आएंगे अगर ये बिछा हुआ नहीं रहेंगे तो एक बार जरूर चिल्लाएंगे। ठंड का मौसम और क्रियांश खेलता है जमीन, ये जरूर बिछा रहना चाहिए। अभी रूम को भी ठीक करना है मुझे। सबसे पहले आप ट्रॉली उतार के चल जाइए अपने काम पे, ठीक है। कॉफी बना के आपको पिला देंगे, फिर अपना काम करेंगे। उसको ड्राई क्लीन में देना है लहंगा को, ठीक है। दे दे दे। आएंगे तब देंगे, घर से ही पिक कर लेगा कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मेरा ट्रॉली बड़ा हुआ है। कौन सा वाला? वो वाला उतार लो ये। हाँ, लेकिन उसमें कुछ सामान वन होगा तो उसको खाली करके किसी और में डाल दूंगी। है कुछ सामान उतारिए तो, बट वही सही रहेगा ले जाने में, नहीं। और इधर भी है ट्रॉली, देख सकते हैं, सिर्फ ट्रॉली ट्रॉली है मेरा। ये कुछ है, वो ब्लू वाला भी खाली है, ये पर्पल वाला और एक वो ब्लू वाला, ठीक है। ये तो मेरा फेवरेट है। इतनी सारी ट्रॉलियाँ हैं, कम से कम 5-7 होगी जरूर ना। हाँ, तो उसको उतार दीजिए, उसका सामान इसमें डाल देते, क्योंकि इसका जो ये चक्का है ना जल्दी काम नहीं करता है, आपको दिक्कत होगा। ये वो अच्छे से मतलब आप ले जा सकते हैं। तो जिया का जो है पिटारा यहाँ पर खुल रहा है, इस पिटारे से जो है ढेर सारे कपड़े निकलने वाले हैं और होने वाली है पैकिंग। और इसका चेन क्या हुआ, नहीं खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा, बहुत दिन से यूज ही नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा हाल हो गया इसका, दब गया है अंदर से। अच्छा है, तुम पैकिंग पर लग जाओ, हम जा रहे हैं अपने काम पर। A few moments later, यंस जो है अब आ गया है, और आप देखिए कितने अच्छे से पैकिंग हो गया है। यंस मदद करेगा मम्मी की, बहुत अच्छे से मदद कर गई। ये देखिए शुरू कर दिया मदद करना इसने अपना। हाँ, एक रियांश, एक रियांश, इधर आओ। भागा, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, इधर आओ, इधर आओ। One hour later. तो अभी एक पार्सल आया है जिया का, पता नहीं क्या है, बड़ा लंबा जैसा लग रहा है, हल्का जैसा। जिया को भी नहीं मालूम चल रहा है कि आखिर इसने क्या ऑर्डर किया था। मुझे याद नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आते रहता है। हाँ, तो इसको तो एक बार अनबॉक्स करेगी, फिर देखेंगे क्या है। तो अभी आया हुआ एक मेरा पार्सल, वो भी इतना बड़ा, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। इसको जो छू करके देख रहे हैं, दिखने में तो बड़ा है लेकिन वेट थोड़ा हल्का है, तो हमको तो लग रहा है कुछ फ्रेम टाइप का ही कुछ होगा इसमें। अच्छा, और बताइए फ्रेम के अलावा इतना लंबा और क्या हो सकता है, कपड़ा सब तो इतना लंबा हो नहीं सकता।
सोचिए दिमाग लगाइए। कुछ किताब सब तो हो नहीं सकता बड़ा किताब कहाँ से। वही चीज तो हमको एक नजर तो है सिर्फ फ्रेम पर ही जा रहा है मेरा। देखते हैं क्या है इसके अंदर। पैकिंग बहुत तगड़ी वाली थी। देखते हैं क्या है इसके अंदर। दादा सही निकला था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। ये अंकुश भाई क्या जब गुड फ्रेम गए थे उसी समय का ये। तो ये देख सकते हैं ये हमारा फोटो फ्रेम है जो कि ये फोटो कहाँ का बताइए। ये फोटो हमको ध्यान है बताए थे ना अभी कुछ देर पहले अंकुश भाई के यहाँ गए थे गोद भराई में उनका। देख सकते हैं यह एक खूबसूरत सवाल पेंटिंग और मालूम नहीं था कि जिया ये मंगवा रही है और घर में जो है अब कहीं पर इसको बहुत ही अच्छे से जगह ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फोटो और प्रियांश का भी ये देख सकते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इस वजह से मैंने इसका ऑयल पेंटिंग मंगवाया और अभी आपने देखा होगा फोटो मिरर भी उसमें भी मैंने यही फोटो डाला। अच्छा है। 20 minutes later जिया अंदर गई हुई थी सारा सामान सब पैक करने के लिए और पैकिंग को लेकर के जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा है। पैक तो सामान हम लोग करके रख लेंगे पता नहीं अब मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा अगर मगर की बात क्या है जी कुछ परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद जाना पॉसिबल नहीं हो पाए लेकिन पैक करके रख लेते हैं कहीं अगर सब कुछ प्लान बना तो हम लोग निकल जाएंगे। तो बात क्या हुआ जी कुछ आप लोग का कमेंट भी देख रहे हैं तो कमेंट में यह आ रहा है कि भैया आप लोग जो है मत जाइए पहले भी कंट्रोवर्सी सब में जब पड़े थे तो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे तो अच्छा रहेगा कि आप खुद ही अपने घर पर रहिए और यहीं से आप वीडियो सब डाला कीजिए और वहां पर नहीं जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वहां पर जाएंगे सारे यूट्यूबर एक जगह मिलते हैं और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है और झूठ का परेशानी में आप भी पड़ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ कमेंट देख रहा था तो जानकर अच्छा लगा जी आप लोग इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं और इतना केयर कर रहे हैं हमारे लिए तो जानकर अच्छा लगा। फिलहाल ये जिया वहां पर कर रही है पैकिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ बात क्या हो गया है जी मम्मी की भी हो गई है तबीयत खराब और माँ को हो गया है बुखार और माँ को भी जाना था माँ का जाना हो पाएगा कि नहीं यह थोड़ा सा जो है असमंजस की स्थिति आ गई है और क्रियांश का जो तबीयत है वह भी जो है सही लग नहीं रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जुकाम हो रहा है और उसको स्टीम सब कुछ दे रहे हैं और जकड़न खत्म नहीं हो रहा है उसका तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में तो यही देखा जा रहा है जी। और बाकी तो ऐसा भी नहीं है जी कि हम लोग किसी यूट्यूबर के फंक्शन में नहीं जाएंगे सभी जगह अच्छे लोग खराब लोग हर तरह के लोग रहते हैं और हर जगह जो है कुछ सिचुएशन बहुत अच्छा होता है और कुछ जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अमित भाई तो जी अपने भाई जैसे हैं और भाभी हमारे बेटे के जन्मदिन में आए थे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके भी बेटे का पहला साल है तो उसमें हम लोग जरूर जाएं। बिल्कुल जी सब कुछ परिस्थिति अगर अच्छा रहा तो हम जरूर जाएंगे। बाकी इधर देखते हैं क्रियांश का तबीयत कैसा है मम्मी का तबीयत कैसा है दोनों का अगर सही रहे तो अच्छा रहेगा जी कि हम लोग भी जाएंगे और बहुत सारे अपने दोस्त सब भी वहाँ पर आ रहे हैं सभी लोगों से इसी बहाने जो है मिलने जुलने का मौका भी रहता है। बाकी तो सभी का जी अपने अपने घर से ब्लॉगिंग चल रहा होता है।